भारत में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं राज्य सरकारों ने हजारों को मारने के आदेश दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की तो बाकी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही राज्यों को जरूरी इक्विपमेंट भी जुटाने को कहा है, क्योंकि जल्द संक्रमित पक्षियों को मारने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार ने पोल्ट्री फार्म्स, तालाब, झीलों, चिड़ियाघरों में निगरानी बढ़ाने के सख्त आदेश दे दिए हैं। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए हर संभव कोशिश को ध्यान में रखा जा रहा है। कारण साफ है, अगर बर्ड फ्लू ने अपनी रफ्तार और तेज की तो कोरोना के साथ देश में संक्रमित बीमारी की दोहरी मार पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है और अब मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद इलाके की चिकन शॉप्स को 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में कौवों में बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ। इसके साथ ही यूपी के कानपुर और सोनभद्र में पक्षियों के मरने की बात सामने आई है, जांच जारी है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 यानी बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों और कई बार इंसानों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। भारत में बर्ड फ्लू का वायरस म्यूटेट हुआ है और H5N1 के साथ H5N8 भी मिल रहा है। सबसे ज्यादा कौवों, कबूतरों, बतख, मुर्गी, मोर और कुछ केसेस में मछली में ये वायरस मिल रहा है। देश में 28 दिसंबर को बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया था। 25 दिसंबर को झालावाड़ में कौवों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। लैब टेस्ट में बर्ड फ्लू का पहला केस कंफर्म हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा ने इस बात की कंफर्मेशन देना शुरू कर दिया। बर्ड फ्लू ज्यादातर पक्षियों के मल और दूषित पानी से फैलता है। इंसानों में पक्षियों के नजदीक जाने से ये फैलता है। सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू संक्रमित होकर मरे पक्षी के पास आए पक्षियों में ये फैलता है। इंसानों में इसके लक्षण कोरोना जैसे हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, कफ बना रहना, शरीर खासतौर पर मांसपेशियों में दर्द, माइल्ड फीवर, आंखों में जलन जैसे इसके लक्षण हैं। अगर ऐसे में आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।